हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो पेपर वन की स्ट्रैटेजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम एजुकेशन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जी, कि लास्ट के ये जो 20-25 दिन हैं इसमें आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो क्या करना चाहिए, और सब कुछ पढ़ रखा है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन पे आ जाते हैं जिन्होंने सब पढ़ रखा है, ताकि उन, क्योंकि उनकी शॉर्ट एंड क्रिस्प चीज़ें हैं कि अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है दैट मीन्स आपने 10 की 10 मैराथन्स देख रखी होंगी, रिविजन मैराथन्स देख रखी होंगी, रिवाइज कर रखी होंगी, और एटलीस्ट जो 2018 के बाद के PYQs मैंने करवाए हैं अभी दिसंबर 2023 तक के, वो सारे आपने कर लिए होंगे, ये मैं मान के चल रही हूँ। तब जाके मैं मान रही हूँ कि हाँ, आपने तैयारी ऑलरेडी कर रखी है। अगर आपने ये चीज़ें कर रखी है तो अब क्या करें? कई बच्चों का ये क्वेश्चन है कि मैम क्या 2018 से पहले के क्वेश्चंस को भी खंगालें? नहीं, इट्स अ बिग नो, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि आपके 20-25 दिन बचे हैं और उसमें आप जो है 2018 से पहले के पेपर उठा रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, बिकॉज उससे पहले का सिलेबस जो है वो अलग था जी। सिलेबस जब अलग था, अलग इन द सेंस पैटर्न अलग था, 3 पेपर थे वाली सिचुएशन, सो वो चीज़ें अलग थी, तो उस पर मत जाइए। दिमाग खराब अभी के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम हो तब करनी चाहिए थी वो चीज़ें, अगर करनी ही थी तो। सो अभी आपने अगर ये चीज़ें कर ली हैं, सो आपको करना है जी, एक तो ये PYQs रिवाइज करने हैं, ऑब्वियसली रिविजन मैराथन, हो सकता है आप ये 10 मैराथन बार बार ना भी देख पाएं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, बट रिविजन मैराथन आपको बार बार देखनी है, और ये PYQs आपको रिपीटेडली रिवाइज करने हैं। कैसे रिवाइज करोगे? मैं उम्मीद कर रही हूं इनसे नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं सो अब बना लीजिए एक बार। क्या करना है आपको? क्वेश्चन पेपर लगाया, क्वेश्चन मतलब मेरे वीडियो समझा रखी है मैंने, सो वो जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा, आप रोक के उसको अटेम्प्ट करके देखिए, जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको अपनी नोटबुक में या पेज के ऊपर उस लाइन को, उस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। मान लो आपने अभी रीसेंट का पेपर जो है 2023 वाला दिसंबर का अटेम्प्ट करके देखा, ओके, उसमें पहला क्वेश्चन है वर्चुअल स्टेट ऑफ वर्चुअल कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग समथिंग करके, ठीक है, सो वो क्वेश्चन हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो कभी, सो उसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है आपको, ओके। ऐसे ऐसे करके PYQs से आपके नोट्स बन जाएंगे, वो नोट्स आपको बार बार रिवाइज करने हैं, ताकि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, जो सही हुए हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कई बार होता है ना कि आप अगर बार बार अटेम्प्ट करके देखोगे ना, तो जो क्वेश्चन आपने सही किया है वो उसी थॉट प्रोसेस के साथ आप बाद में सोल्व करोगे, तो वो सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको यहां नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये PYQs हो गए आपके, आपने रिवाइज तो ऑलरेडी कर रखा था, आप अच्छे बच्चे हैं, आपने सब पढ़ रखा है, अब आपने PYQs के भी नोट्स बना रखे हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप कोई मॉक टेस्ट मत लगाइए, मॉक टेस्ट की बजाय आप क्या कीजिए, मैंने ना कई एजुकेशन के आजकल कई सेट के पेपर करवा रखे हैं, जामिया का एंट्रेंस एग्जाम के लिए करवाया था, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, SSB PGT के क्वेश्चन करा रखे हैं लेक्चररशिप वाले, वो भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, सो आप वो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हैं तो एजुकेशन के ही, राइट? सो वो सेट जो, जैसे मैंने HP सेट करवाया कल, कर्नाटका का सेट करवा रखा है, नॉर्थ ईस्ट का भी मैं एक दो दिन में करवा दूंगी, सो वो सिचुएशन है कि आप इन पे जो ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं ना उन पे फोकस कीजिए, रादर देन किसी रैंडम मॉक टेस्ट के, ओके? वहां से भी सेम चीज कीजिए और इस नोटबुक में आगे नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। ये उन चीजों, उन बच्चों के लिए था जिन्होंने पढ़ रखी है चीजें, रिवाइज कर रखी हैं। अब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे? सो वो ऑब्वियसली मैराथन्स करने की कोशिश तो करेंगे, ठीक है। अगर आपने मैराथन्स करने की भी कोशिश नहीं की फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज मैराथन्स आपका बेसिक है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको मैराथन से शुरू कर देना चाहिए, एटलीस्ट सुनना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर इन मैराथन्स के नोट्स नहीं बन रहे हैं अभी के लिए, कोई बात नहीं, लास्ट मिनट पर यहाँ से नोट्स मत बनाओ, ये रिविजन मैराथन देख लो, और इस रिविजन मैराथन से नोट बनाओ, क्योंकि इस रिविजन मैराथन में हर एक स्लाइड 2-3 घंटे की थी आई थिंक ये, सो जो भी रिविजन मैराथन्स मैंने करा रखी हैं वो देख लो, एक दो जो भी दो हैं आई थिंक, सो वो देख लो, वो ज़्यादा बेटर हैं, वो इसलिए बेटर हैं क्योंकि उनमें हर एक स्लाइड में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी भर भर के। सो वो रिविजन मैराथन की इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कीजिए, वहाँ से नोट्स बनाइए। उसके अलावा अगेन आपके पास भी यही स्ट्रैटेजी है कि जो PYQs हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, और चूंकि आपने पहले से नहीं कर रखे हैं तो
आप कॉन्टिन्यूटी में करते करते एक बार कीजिए इन सब सारे PYQs को, और करते करते यहाँ से भी अपनी नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बिकॉज लास्ट मिनट पे आपको ये नोट्स रिवाइज करने, जब भी आपको टाइम मिले, आप बोर हो रहे हो, आपका मन नहीं है पढ़ने का, आप ये नोट्स उठा के बैठ जी, इनको देखते रहिए, ठीक है। देखेंगे, देखने से भी कुछ चीज़ें याद हो जाती है, देखने से आपको पर्सनैलिटी के टाइप्स याद हो जाएंगे कि अच्छा वो पर्सनैलिटी की बात हो रही थी, पर्सनैलिटी में टाइप ट्रेट थियोरीज हैं, या ट्रेट की या टाइप की बात करेंगे तो उसके अंदर हिपोक्रेट की है कि जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो वो चीज़ें उसमें भी फर्दर चार टाइप्स हैं, मैंने ही कल SCMP, ठीक है, मैंने भी कल ही मैं उन नोट्स को ही देख रही थी अपने वालों को जो मैंने बनाए हुए थे पहले, सो उनको देख देख के मुझे भी ये याद हो गया वापस से, राइट। सो वो चीज़ें हैं, आपको याद हो जाएंगी ये नोट्स देखने से, बट उससे पहले नोट्स होने तो चाहिए आपके पास। ये चीज़ के पीछे मत भागिए कि मैं नोट्स दे दूँ या कोई और स्टूडेंट आपको नोट दे दे या किसी आप जो हैं अकेडमी से नोट्स ले लें, वो ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे, बिकॉज अपने बनाए हुए नोट्स आप लिख रहे हैं उन चीज़ों को, सो आपके दिमाग के साथ साथ आपका हाथ भी उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा है जो यहाँ पे आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं। सो वो अपने हाथ से जब आप बनाते हो ना, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपको वही याद हो जाती है, ठीक है। सो ये चीज़ें आप कर सकते हैं जी लास्ट मिनट के लिए, इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो भी, अगर 10 मैराथन देखने का मन नहीं है तो भी एटलीस्ट ये रिविजन मैराथन देखिए और PYQs पे आ जाइए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कई बच्चे इस बात से डरते हैं कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मैं क्वेश्चंस क्या करूं। आप क्वेश्चंस से पढ़िए, क्वेश्चंस से इंफॉर्मेशन निकालिए, वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है जी। सो आई थिंक आपको जो है ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी हेल्प करे, थोड़ा सा मोटिवेटेड आप फील करें, बिकॉज इधर उधर की बातों में ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो इट्स बेटर आप जो है लास्ट मिनट पे इधर उधर भटकने की बजाय, नई चीज़ों पे ट्राई करने की बजाय, जो आपकी चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको रिवाइज कीजिए। रिविजन बहुत ज़रूरी है। वो बोलते हैं ना कि 10 बुक्स को जो है 10 अलग अलग बुक्स को एक टॉपिक के लिए पढ़ना और एक बुक को रिपीटेडली पढ़ना, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव आपको मिलेगा, उस एक बुक से आपको बहुत सीखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स तो हर जगह पे सेम ही होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप बार बार रिविजन मैराथन देखें और बार बार जो है वो PYQs की प्रैक्टिस कर लें, 2018 के बाद के ही कीजिए। अगेन कोई पहले के क्वेश्चंस आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, 2018 के बाद के भी बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब 12-13 तो मिनिमम है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया सेट के या बाकी जो मैंने पेपर्स करा रखे हैं, जहां पर भी एजुकेशन सब्जेक्ट है वो सारे हेल्पफुल हैं, और आजकल हर एक पेपर में सही क्वेश्चंस आते हैं, के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो देख सकते हो। नेट वाले ही क्वेश्चंस कई बार सेट में रिपीट हो जाते हैं, तो वहां से भी आपकी रिवीजन हो जाएगी, आप सेट के पेपर भी देख सकते हो जो मैंने करवा रखे। ओके, सो आई होप आपको ये चीजें हेल्प करें, बट पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा अल्टीमेटली। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, मुझ पे भरोसा रखिए और पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मैं सिर्फ बता सकती हूँ, एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकती हूँ, उस रास्ते पे चलना आपको ही पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको ये चीजें हेल्प करें, हेल्प करें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।